हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। फिलहाल जो आप लोग, मैं रास्ते स्टार्ट करता हूँ। तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, दूसरा आ जाएगा है ना, दूसरा आ जाएगा। तो इसका तो यही है, ये मोटर गिर दिया तो इसके ड्रेस लगा था। राइट ड्रेस देखिए, कोई बात नहीं, दिमाग तो जब ज़्यादा चलता है तुम्हारा, गुड इवनिंग होता है, दिमाग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इसका। तो आप लोग कुछ नहीं कह सकते, ना हम कुछ कह सकते, क्योंकि दिमाग इसका है, चला रही नहीं, है। देखो ये बात है, ना तो याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है, तो सब सही। मैंने तो दीदी बोलने की याद हो नहीं, सच्ची मैंने दीदी से बोल रहा था, मैं कहा दीदी मैं तो भूल भूल सा मान रखा था, भूलने लगी। अच्छा अभी हम कह रही कोई नहीं हो जाएगा। मम्मी को भी बोलते हैं ना उनको, तुम तो झूठ तो करो, झूठ तो करो, ऐसा हो जाए मेरे साथ में। तो खाना वाना खा के आ चुके हैं। आज बनाई थी अरवी, अच्छी लगती है मुझे अरवी, लेकिन पराठों के साथ में, पराठे हो या पूरी उस पर और दूध वगैरह लेके आज कल फिर गर्म गर्म करके अच्छे से। और तो हम बोल रही थी मुझे कंफर्टेबल लग रहा है ड्रेस में, ठीक है ये लेके आए थे मेरे लिए, क्योंकि सूट इसके सारे के सारे टाइट हो चुके हैं, बहुत टाइट हो चुके हैं सारे के सारे। ये पता जितने भी सूट थे मेरे सब टाइट हो गए, मतलब पहनने में तो सांस तक नहीं आता। मैं कहा मेरे नाम को तो लोअर टी शर्ट ला दो, मैं तो उनमें कम्फर्टेबल फील करूँगी। इसमें कम्फर्टेबल नहीं हो पाती, बैठने में दिक्कत थी, या देर बैठी नहीं ज़्यादा, उस पर लेटी लेटी रहती थी, फिर हो जाए ना पूरे दिन लेटी लेटी रहते, तो क्या लेट इसी वजह से तो पड़े पड़े भी। घर से भी मैं तीन चार जोड़ी सूट ले गए थे घर से, सारे टाइट हो गए। और मैंने 15 दिन पहले सिले थे, सारे सूट टाइट हो गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसे बेकार लेके आए। अब क्या है, पापा भी सुबह नहीं चले जाते ड्यूटी पर, यही तीन ही रहती है मम्मी पापा, मम्मी फिर हमारे पापा, तीनों जनों रहते हैं ये, तो अपना घर में पहनते कोई दिक्कत नहीं भाई अपना। मम्मी तो भाई ये बोल रही थी सामने कि क्या नाम तेरे नाम पोथी पर ना सूट भेजूंगी, मैंने मना कर दिया, मगर मैं तो एक बार दिला दी, जितने भी सूट दिला दी। हाँ सही है, और ये तो फायदा क्या लाएगा, कुछ फायदा नहीं, बाद में दिला देना। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर घूमने के लिए, क्योंकि खाना खाया ऊपर गए नहीं, लेट गए थे। तो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। अभी धान शरारती है, आज लेट गए ना, लेट गया आज उसने पता क्या करा, आज उसने गोपाल जी घेर दिए और मेरा फोन पानी घेर दिया और तीन मुक्के मारे मेरे, उसके साथ लड़ाई करी। अभी फिर भी तो मनावे भी तो आके चाची सॉरी तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस, नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ और पूजा हमारी हो चुकी है, और पूरी हमको देखिए फिर हम जो है अभी पकड़ दे रही है। ओह हाँ, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी, मैं देखिए पूजा हमने कर ली थी बहुत देर होगी, और तो कपड़े लगा देते हमने मशीन में, इतना पूजा वगैरह नहाए धोए अपने कपड़े धुल जाएंगे। तो देखिए ये बढ़िया कपड़े तुम डाल दूँ, चला देते बाहर निकाल के लेते पड़ते थे, बाहर निकाल कर नीचे उड़ो और देते थे। मैं ऐसे भी ठीक है, इसमें भी पानी चला दो और अपने निकल जाएंगे। थोड़ा सा दूर पेट पड़ गया, निकाल दिया, मुझे पता नहीं था पानी आ रहा पाइप में, को पाइप ही निकल गया, पाइप पे पैर रख दिया मैंने यहाँ पे और वहाँ से निकल गया। भाई आज जो है सावन का दूसरा दिन है और कावड़ ना चलने स्टार्ट हो गई है, किस दिन टाइम लगेगा ना, जब काफ़ी सारी कावड़ हो जाएगी। श्री चौक पे तुमको पता, श्री चौक पे कितनी भीड़ रहती है कावड़ों की, तो जब काफ़ी सारी भीड़ हो जाएगी, 16-17 तारीख के आसपास होती है बढ़िया भीड़, 17-18 के आसपास हो जाएगी बढ़िया वाली भीड़। तो जब जाके मैं दिखाऊंगा आपको हमारे भी मुजफ्फरनगर में श्री चौक का नज़ारा, मतलब आसपास का कहीं का ऐसा नज़ारा नहीं होगा जैसा श्री चौक का होता है हमारे मुजफ्फरनगर में। आप चाहे ब्लॉग में देख लेना, क्योंकि मुजफ्फरनगर का जो कावड़ है, मतलब जितने भी कावड़ होती है ना, तो मुजफ्फरनगर से, सॉरी मुजफ्फरनगर से श्री चौक जो है वहाँ से निकलते, क्योंकि शिव जी की जो मूर्ति है चौराहे पर, वहाँ से होके मतलब उसके परिक्रमा करके तब निकलते हैं। हरियाणा की हो, मेरठ की हो, मतलब राजस्थान कहीं की भी सारी कावड़ ना मुजफ्फरनगर में निकल, मुजफ्फरनगर में वो निकलती है, और कावड़ का नज़ारा ये होता है ना देखने लायक होता है। दांत कावड़ आपको दिखाता तो ले आऊँगा, पर बाबू बहुत भीड़ रहा है आपकी हालत में जाने की, खड़े होने की, क्योंकि आप यहीं नहीं खड़े हो करते, क्योंकि पता क्या है वहाँ पर तुम लोग अगर मुजफ्फरनगर के लोग देखते होंगे, उन्हें पता है कितनी भीड़ रहती है, धक्का मुक्की रहती है, लड़के तो क्या भाई स्टैंड में खड़े हुए निकल के रुको, इतनी बुरी भीड़ रहती है, और इसकी तो हालत ये है, तो मतलब 10-15 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती, इतनी गर्मी रहती है ना, उमस रहती है, तो 5 मिनट भी बोल देंगे मुझे तो लेके चलो, तो ये वाली इसकी हालत है। और रात के टाइम तुम्हें पता है 9-10 बजे जाते हैं, इसी वजह से तो मैं तो क्लिनिक से उधर से उधर ही निकल जाऊँगा इस वजह से हैं। हाँ अभी साथ दिखा के लाऊँगा मैं आपको, तो मैं वीडियो बना के ले आऊँगा, आप देख लेना कैसी भीड़ रहती है कैसी नहीं रहती है वहाँ से, बहुत तकड़ी भीड़ रहा हूँ। तो डाक कावड़ ऐसी अच्छी है ना, मतलब डीजे ना आप हिल जाओगी, इसलिए मैं आपको लेकर जाने का, मतलब मुंह पे ना ऐसे लगते हैं हमारे ऐसे ऐसे दे सकती है मुंह पे,
तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे नाश्ता वास्ता करने के बाद, क्योंकि अभी रूम पर ही है, काम निपटा दे अपना, काम निपटाने के बाद जाएंगे नीचे और टाइम भी 8:30 हुई है, तो इसलिए अपने जो काम है थोड़ा बहुत तो निपटा लेते हैं पूरा, उसके बाद मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस कपड़े जो है मैंने धो लिए हैं और देखे मशीन लगाते साफ रख करके, तो वे चले गए ऊपर, ही मना कर रहे थे कि कपड़े मैं खुद सुखा दूंगा, तो मैं जाती हूँ और उनके साथ मुझे कपड़े सुखाते, कभी मुझसे पहले ना वे सुखाते। कितनी क्यारी धूप हो रही है आज, ओहो सुखा भी दिए अजी, अच्छा लगा क्या, पाप चढ़वाओ आप तो। हाँ धूप तो हो रही पर क्या हुआ, तो पकड़ तो लो मुझे, ये हमारा दीदी ने ना थोड़ा खड़ा है ना, इस पर सांस चढ़ जाता है, ऊपर रखते हैं तो क्या हुआ, अरे कुछ भी नहीं, बस वापस नीचे चल दी। ये लास्ट स्टेप है बस, बस ये देखिए हमारा तो जिंदा ना पूरा खड़ा है ना, टाइम 9 बज गए, थोड़ी देर धूप आराम से लेट जाओ, अभी तो मेरा काम रह रहा है, तो अभी मेरा थोड़ा सा काम रह रहा है, वो मैं बाद में करूँगी इनके जाने के बाद, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो इनके जाने के बाद ही बिछाती हूँ मैं, पसीने पसीने हो गए बिल्कुल ही, देखो कह रही मैं मेरी हेल्प ले लिया करो, अरे हाँ की क्या बात है, चलिए तो अब आपसे ना बाद में मिलते हैं, मैं थक गई सांस चढ़ गया, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ उधर, अच्छी भाई चलो तो बाद में नाश्ता करेंगे, मैं नाश्ता करने के बाद फिर इनको कम कर काम कर दिया, चलो अभी दवा ले लूँ, मतलब दवा भी नहीं मैडम जी, ना कर सुबह बोलता हूँ मैं दवा ले लूँ, सुबह बोल देता हूँ, पर आदमी रहती है ना इसीलिए, तो फिलहाल जो है भाई अभी ऊपर से आके पसीने से सुखा के चलता हूँ नीचे, नाश्ता कर रहे क्योंकि टाइम हो चुका है क्लिनिक का, 9:15 बज गए, नाश्ता वास्ता करेंगे उसके बाद निकलेंगे, तो टाइम हो जाता है, तो फिर तो वो लोग आ जाएगा नहीं, तो फिर हम गए वो लोग आएगा, क्यों नहीं आऊंगा जब तक वो लोग, मैंने अपना वो लोग नहीं बनाया, कंप्लीट हो गया था, सारे वो ख़त्म हो गए चिकन, तो ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। क्या हुआ, ट्रैक्टर कहाँ था, ट्रैक्टर दूर में, दूर में, अच्छा तो ये आ चुके हैं क्लिनिक से, और दही लेके आया है, तो क्लिनिक से आए हो ना फिलहाल, तो आके मैं कपड़े चेंज करके दही लेकर आया हूँ, आज को ट्रैक्टर दिखा के लाया हूँ, पकड़ो उछल के, आज के तो हाथ जा रही ना बहुत ज्यादा, खाने के साथ खाऊंगी ठीक है, गंदी बात खाने जी की हो गया नाराज, मिनट से पहले चला गया, चलो तो व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दो, आप लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, मेरे सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, चलो एंड तो कर दो, सो गाइस मिलते हैं, सो गाइस आज का व्लॉग है जो यहीं पे एंड करते हैं, तो पिछले तबीयत खराब थी तो फिर हम लोग नहीं बना पाई इसी वजह से, तो ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ये फिर भी चला, हाँ जल्दी चलगी चलगी चलगी, तो ठीक गाइस मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, कल मैं सैटरडे तक छुट्टी है, कल हम लोग नहीं कम्प्लीट करूँगा, ठीक है बाय बाय।